हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका किचन टिप्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ पोहा नमकीन। तो सबसे पहले हम पोहे के लिए सेव बनाएंगे और हमने यहाँ 4 टेबलस्पून बेसन लिया है। मैं चुटकी भर नमक डाल रही हूँ, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैं यहाँ 1 चम्मच के करीब गर्म रिफाइंड डाल रही हूँ और यहाँ जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप इसमें और भी मसाला ऐड कर सकते हैं, अजवाइन भी डाल सकते हैं। पानी डाल के मैं अच्छे से इसे फेंट ली हूँ और फेंटने के बाद मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए रख दूँगी रेस्ट करने के लिए। ये देखिए, 10 से 15 मिनट के बाद मैंने देखा तो ये अच्छे से मेल्ट हो चुका है और मैंने इसे हाथों में ले लिया, हाथों में तेल लगाने के बाद। और अब हम इसे सांचे में डालेंगे, आप बिना सांचे के भी बना सकते हो। और ये हमने सबसे पतला वाला जो था प्लेट, मैंने वो लगाया है इसमें और ऑयल से ग्रीस कर लिया अच्छे से इसको। मैं इसे डाल रही हूँ इसमें और डालने के बाद मैं इसे अच्छे से चम्मच के सहायते से बैठा दिया है नीचे और यहाँ मैं इसे बंद कर रही हूँ। यहाँ हमारा तेल गर्म हो चुका है, आप बिल्कुल तेल गर्म होने के बाद ही इसे डालें और लो टू मीडियम फ्लेम नहीं रखना है, हमें हाई फ्लेम पे पकाना है इसे। और हाई फ्लेम पे पकाने डालने के बाद हमें इसे तुरंत ही पलट देना है। ये देखिए, हमने इसे पलट दिया और बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्रिस्पी हमारा सेव बनकर तैयार हो गया था। ये देख सकते हैं आप, 2 लच्छे तैयार हुए थे। तो हमारा ये सेव रेडी हो गया है और अब हम चलते हैं, अब हम मीडियम फ्लेम पे मूंगफली को भून लेंगे अच्छे से। यहाँ मैंने मूंगफली को फ्राई कर लिया है, कलर जब तक चेंज नहीं हो जाता है तब तक हमें फ्राई करना है इसे। ये देखिए, हमारा मूंगफली अच्छे से भुन चुका है और अब हम इसे निकाल देंगे। ये देखिए, कलर आप देख रहे हैं चेंज हो चुका है बिल्कुल। हमारा मूंगफली अच्छे से भुन गया है, हमने इसे निकाल दिया। अब हम इसमें पोहे को भुनेंगे। भुनना क्या है, मैं इसे बिल्कुल डीप फ्राई कर रही हूँ सारे चीज़ को। तो यहाँ देखिए, ये पोहे को हम हाई फ्लेम पर निकालेंगे। ये हमने फ्लेम को हाई रखा है और सारे पोहे को एक साथ डाल दिया है और मैंने यहाँ छन्नी में इसे निकाल लिया है। आप देख सकते हैं पोहा कितने अच्छे से फूल गया है। और यहाँ मसूर का दाल है, रेड मसूर, आप ये मैंने चना का दाल लिया था, मैं इसे भी डालूँगी। इन दोनों दालों को हाई फ्लेम पे, बिल्कुल हाई फ्लेम पे आपको तल के निकालना है। ये हमारा सेव रहा और दाल को हमने अच्छे से भून लिया है, दोनों दालों को, मसूर दाल, चना दाल। और यहाँ मैंने इसमें एक थाली में रख लिया अलग करके। अब हम इसमें सारे मसालों को ऐड करेंगे। तो यहाँ देखते हैं क्या क्या मसाला डाला है मैंने। देखिए, तो सबसे पहले ये जो दाल है चने का, मैं इसे भी इसी में मिला देती हूँ। जितना भी हमारा नमकीन का आइटम है हम सबको एक साथ में रख लेंगे। ये हमारा सेव, देखिए मैंने इसे भी रख लिया है, आप तोड़ के डालिए, मैंने ऐसे ही रख दिया है। हालांकि तोड़ूंगी मैं भी। तो देखिए, तोड़ दिया मैंने, बहुत ही अच्छा बना था हमारा ये सेव, बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो गया था, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगा। यहाँ मैं काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ और लाल मिर्च की मात्रा मैंने कम रखी थी क्योंकि हमारे घर में इसे ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं लोग। काली मिर्च सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी होता है, तो काली मिर्च हमें खाना चाहिए। यहाँ हमने सौंफ और चीनी का पाउडर लिया, हम यहाँ खट्टी मीठी नमकीन बना रहे हैं। ये हमारा जीरा पाउडर जाएगा इसमें और अब मैं डालूँगी इसमें काला नमक, आप वाइट वाला नमक भी थोड़ा डाल सकते हैं, मैंने पहले डाला था इसमें। और ये मैंने कड़ी पत्ते को अच्छे से फ्राई कर लिया था और फ्राई करने के बाद मैं यहाँ हाथों से मसल के डालूँगी। कड़ी पत्ता जितना आप डालेंगे उतना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसकी महक बहुत अच्छी लगती है मुझे। और मैंने इन सारे चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है और मैं इसमें चाट मसाला डालूँगी, आमचूर पाउडर डालूँगी जो कि मैं नहीं दिखा पाई, भूल गई थी। और ये देखिए, हमारा खट्टा मीठा नमकीन बनकर रेडी है। नमकीन बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा। आप चाहें तो फिर ये जो हमने पोहे को भुना, ये देखिए चाट मसाला, आप चाहो तो पोहे को लाल मिर्च और हल्दी डाल के फ्राई कर सकते हो, इससे कलर बहुत अच्छा आता है, टेस्ट भी बढ़ जाता है थोड़ा। तो मैंने बताया कि हमें इसका फ्लेवर पसंद नहीं है ज़्यादा, तो इसलिए मैंने ये खट्टी मीठी सादी सी नमकीन